चीज सबसे सेंट्रल है और वो ये है कि क्या ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अगर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते तो बाकी सारी चीजों के पचड़ों में हम पड़े रहे हैं जी, सिलेक्शन कमेटी में एक जुरिस्ट है, फलाना है, चीफ जस्टिस है कि नहीं है, उन सारी चीजों में क्या रखा है। अगर ये आज सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो बाकी सारी चीजें कौन हो जाती हैं। सीबीआई को ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दें तो शायद हमारे प्रधानमंत्री भी 2G में, कोयला घोटाले में या किसी ना किसी मामले में जेल चले जाएं। तो अगर सीबीआई को इन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया तो इस लोकपाल का फायदा क्या है। आज मैं यहाँ पे पूरे होशो हवास में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लोकपाल बिल ला रहे हैं, इस लोकपाल बिल से मंत्री तो क्या एक चूहा भी जेल नहीं जा सकता। और अगर कोई जेल चला जाए अगले 10 साल के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, कोई जेल नहीं जा सकता इस कानून के अंदर। मैं काफी सोचा कल बैठ के, इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट क्या है। इस पूरे कानून को पास करने का नेट रिजल्ट केवल कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कोई फायदा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देश से भ्रष्टाचार रत्ती भर भी दूर नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, क्योंकि सीबीआई एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर रिपोर्ट करेगा, एक ऑफिसर उधर, मतलब ऐसी जलेबियां बनाई हैं इन लोगों ने इस लोकपाल बिल के अंदर कि कोई भी जांच जो है वो ढंग से हो नहीं सकती है।